नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महू के प्राकृतिक सौंदर्य स्थल पाताल पानी पर स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के दिन इंदौर और आसपास से आए लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का जमकर मजाक उड़ाया। बिना मास्क के लोग पूरे समय घूमते रहे, यही नहीं लोग बहते पानी के बीच जा पहुंचे। भारी भीड़ आने जुटने की आशंका के बाद भी पाताल पानी पर कोई सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आए। कोरोना महामारी की रोकथाम के टीका क्या मिले, लोगों ने कोरोना महामारी का अंत समझ लिया है। रविवार को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने से इंदौर और आसपास के जिलों से भारी तादाद में लोग अपने परिवारों सहित महू के प्राकृतिक सौंदर्य स्थल पाताल पानी पहुंचे, जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते हुए आप खुद देख सकते हैं। लोगों ने ना तो मास्क लगाए हुए थे और ना ही इतनी भीड़ होने से बावजूद सोशल गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा था। यही नहीं, इन्हें रोकने के लिए प्रशासन स्तर पर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद नहीं था। चारों ओर लोगों का मेला लगा हुआ था, हर कोई प्राकृतिक सौंदर्य के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बैठा। वहीं दूसरी ओर लोग 2011 का वो हादसा भी भूल चुके हैं, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग बीच पानी में आने और तेज बहाव चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गए थे। कुछ ऐसी ही गलतियां करते हुए पर्यटक वही गलतियां दोहरा रहे हैं। लोग बहते पानी में बीच झरने के मुहाने तक पहुंच गए, जहां से गिरने पर किसी भी की मौत हो सकती है। आपको बता दें कि पाताल पानी को लोगों ने सुसाइड पॉइंट भी बना दिया है। जून में ही एक बैंक कर्मी महिला ने यहां से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। गनीमत यह रही कि महिला पेड़ में लटक गई, जिससे गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल महू प्रशासन को चाहिए कि पर्यटकों की बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाएं, वरना किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।